श्रोता बंधु नमस्कार, मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभिर अध्यक्ष आपण मानंकु स्वागत करुछि एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत पांच वर्ष मध्यरे रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारु आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारु सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जहार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। एही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर एही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्षरे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। एही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिछन्ति इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिछन्ति श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार, कोरापुट सरकारी महाविद्यालय इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यमरे छात्र छात्री मानंक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्य खसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मु नीलिमा दास आपण मानंकु स्वागत करुछि। प्राचीन स्थापत्यर इतिहास मध्यरे अवगुंफित होई रहिथिबा बौद्ध स्तूप को स्थापत्यर मान्यता दिया पाई जेम तथ्य संग्रहित होइथिला एवं सही तथ्य को आधार करी उत्कलियंकर मनोप्राणरे जेम आध्यात्मिक भावधारार संचार करा जाई पारिथिला ताहा किभली उत्कलियंकर कर्ममय जीवन रे धर्मानु चिंतार प्रवाह को भरी देइथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, सांची ओ अमरावती स्तूप गुड़ी को नहीं केउं गवेषक परीक्षा निरीक्षा करिथिले? उत्तर, आलेक्जेंडर कलिंगा। प्रश्न दुई, यूरोपीय माने केउं शताब्दी रे सांची स्तूपर छात तांक देश को नहीं जाइथिले? उत्तर, ऊनविंश शताब्दी रे। प्रश्न तीन, सांची स्तूपर रक्षणाबेक्षण पाई किए बलिष्ठ पदक्षेप ग्रहण करिथिले? उत्तर, भोपाल रो सुल्ताना शाहजा बेगम। प्रश्न चारि, केउ माने सांची स्तूपर पूर्व भाग प्रवेश पथ को सेमानंक देश को नै संग्रहालयर प्रवेश पथरे स्थापन करिबा पई चेष्टा करिथिले? उत्तर, फरासी एवं इंग्रेज माने। प्रश्न पांच, फरासी एवं इंग्रेज मानंकर सांची स्तूप जबरदखल समय रे भोपाल रो शाहजा बेगम स्तूपर सुरक्षा पई कौन पदक्षेप नहीं? उत्तर, स्तूपर प्रवेश पथ को पेरिस प्लास्टर द्वारा आवृत कर तार मौलिकता रक्षा करने चेष्टा करिथिले एवं पेरिस प्लास्टर रे निर्मित एक नकली प्रवेश पथ सेठारे स्थापन करिथिले। प्रश्न छ, सांची एवं अमरावती स्तूप को नहीं केउं इंग्रेज गवेषक ऊनविंश शताब्दी रे गवेषणा आरंभ करिथिले? उत्तर, जॉन मार्शल। प्रश्न सात, सांची ओ अमरावती स्तूप गुड़िक संपर्क रे केउंथिरु तथ्य उपलब्ध होइथाय? उत्तर, बौद्ध साहित्यरु। प्रश्न आठ, सांची ओ अमरावती स्तूप गुड़िक रे बुद्धंकर केउं दिग उपरे अधिक गुरुत्व आरोप करा जायछि? उत्तर, निर्वाण तत्व उपरे। प्रश्न न, सांची स्तूपर स्थापत्य गुड़िक रे बुद्धंकु किभळी चित्रण करा जायछि? उत्तर, एक प्रतीक रूपे चित्रण करा जायछि। प्रश्न दस, बुद्धंकर केउं दुईटी मुद्रा सांची स्तूपर स्थापत्य गुड़िक रे परिष्कृत भावे प्रकटित? उत्तर, तपस्या मुद्रा ओ महापरिनिर्वाण मुद्रा। प्रश्न एगार,
ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା ଓ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ମୁଦ୍ରା କାହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଞ୍ଚିଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ପ୍ରଶ୍ନ 12। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନୀ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 13। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାପତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଉତ୍ତର, ସାଞ୍ଚିର ଲୋକ ପରମ୍ପରାର। ପ୍ରଶ୍ନ 14। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପରେ ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ସାଲଭାନଜିକା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଉତ୍ତର, ଏକ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକି ସାଞ୍ଚିର ଲୋକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 15। ସାଞ୍ଚି ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ବିଶାଳ ଭଞ୍ଜିକା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଉତ୍ତର, ସେ ଏକ ପବିତ୍ର ନାରୀ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଶ୍ନ 16। ବିଶାଳ ଭଞ୍ଜିକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେଉଁ ଦିଗ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 17। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପରେ ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ହସ୍ତୀ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଉତ୍ତର, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଶ୍ନ 18। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପରେ ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ଅଶ୍ୱ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଉତ୍ତର, କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଶ୍ନ 19। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପରେ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଦିତ? ଉତ୍ତର, ଜାତକ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ମଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏକ ନାରୀ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଉତ୍ତର, ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।